हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो सर, मैं अपनी पूरी की पूरी सीएस फैमिली के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। आई होप आप सबको पता है कि आज हमारा बजट 2020 आ चुका है और उस बजट में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आपकी हैं। इनकम टैक्स के अंदर भी हैं, जीएसटी के अंदर भी हैं, कस्टम के अंदर भी हैं। और बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला डाउट ये है कि सर, क्या ये अमेंडमेंट्स जून और दिसंबर के एग्जाम में एप्लीकेबल होंगी। तो ऑलरेडी मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ सर, आज का बजट की सिंगल अमेंडमेंट्स भी इनकम टैक्स की ना तो हमारे जून के एग्जाम में एप्लीकेबल है और ना ही वो अमेंडमेंट दिसंबर के एग्जाम में एप्लीकेबल है। आपके एग्जाम अगर जून में है, दिसंबर में है, तो फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल होगा, फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट डाउट तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। सेकेंड, अब सुना ध्यान से, अपने बहुत सारे बच्चों को ना, अब आपको शायद पता होगा कि आपके स्लैब रेट चेंज हो चुके हैं। अब आपने प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चों को ना पता तो है कि स्लैब रेट चेंज हो चुके हैं, बट वो स्लैब रेट किस लोगों के लिए चेंज हुए हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी एग्जम्पशन भी ड्रॉ कर ली हैं, बहुत सारी डिडक्शंस भी ड्रॉ कर ली हैं। अब किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ चुकी हैं स्लैब रेट नहीं आने के बाद। तो उसका नेट इफेक्ट क्या मिलेगा, उसके एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, किन को नुकसान मिलेगा, किन को वो नए स्लैब रेट लेने चाहिए, किन को पुराने के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे स्लैब रेट आपको पता शायद ऑप्शनल हैं। इट मीन्स अगर मुझे न्यू स्लैब रेट लेने हैं तो मैं न्यू के अंदर जाऊंगा, अगर मुझे ओल्ड लेने हैं तो आज भी ओल्ड एप्लीकेबल है। तो दोनों में से बेनिफिशियल कौन से हैं, कंपनी का टैक्स रेट चेंज हो चुका है, आपका एक कॉन्सेप्ट था सीडीटी का, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स, भर भर के अमेंडमेंट्स इस बार इनकम टैक्स में आई हैं। तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो मैं मंडे को शाम को 7 बजे पूरी फैमिली के सामने यहाँ पर आऊँगा, विद एग्जाम्पल आपको दूंगा, हर अमेंडमेंट का एग्जाम्पल देके चलूंगा कि देखो अमेंडमेंट ये वाली आई है, उसका इफेक्ट ये पड़ेगा। इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन जो ये बात कहते हैं ना, आपके लिए बेनिफिशियल ये वाला होगा। तो हर अमेंडमेंट का एग्जाम्पल के साथ मैं मंडे शाम को 7 बजे पूरी फैमिली के सामने यहाँ पर आऊँगा यूट्यूब पर। तो प्लीज़, उससे पहले पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चों ने, सब दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना है कि सर शाम को 7 बजे आएंगे, जितनी अमेंडमेंट्स आपकी इनकम टैक्स में हैं विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, और होप सो आपके सारे डाउट्स उस दिन खत्म हो जाएंगे। तो आपने मंडे शाम को 7 बजे से पहले ये वीडियो मैक्सिमम इतनी शेयर करनी है, हर बच्चे के मोबाइल में वीडियो होनी चाहिए, ताकि जिन बच्चे को नहीं पता कि अमेंडमेंट्स क्या हैं, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या सर, मीडिया हाउस के अंदर, न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा शाम से ये गलत न्यूज़ चल रही है कि इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट आपकी 5 लाख हो चुकी है, इनकरेक्ट न्यूज़ है। तो प्लीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 लाख तक भी टैक्स लग सकता है। स्लैब रेट पहले जैसे चेंज नहीं हुए हैं, उसमें कुछ चेंज आया है, कुछ पहले ही हैं, किन लोगों के लिए चेंज आया, क्या क्या बेनिफिट उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, उसको सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करेंगे मंडे शाम को 7 बजे विद एग्जाम्पल। तो सर, आपको यही बताने के लिए आया था सर, आपका भाई यहाँ पर बैठक घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे, बट जो भी अमेंडमेंट डिस्कस करूंगा वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एप्लीकेबल होगी, हमारे एग्जाम में किसी काम की नहीं होगी। बट मैं फिर भी आपको बोलूंगा, सेशन जरूर सुनना, सेशन जरूर देखना, क्योंकि आपके फादर, आपके रिलेटिव आपसे जरूर पूछेंगे, क्योंकि आप टैक्स पढ़ रहे हो, कि बेटा अमेंडमेंट क्या आई है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये अमेंडमेंट हमें कैसे एप्लीकेबल होगी। तो वो सारी की सारी बातें मंडे शाम को 7 बजे करेंगे, ठीक है जी। होप सो आपने बजट जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया, कोशिश करूंगा उसको सिंपल लैंग्वेज में एनालाइज करके पूरी फैमिली के सामने पेश कर सकूंगा, कि आपने रिप्रेजेंटेटिव मुझे बनाया, आपकी फैमिली का एक छोटा सा मेंबर हूं, पूरी ट्राई करूंगा कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मिलूंगा मंडे शाम को 7 बजे। बाकी कल मेरी पटेल नगर क्लास है आईकोस में, लक्ष्मी नगर मेरी मंडे को क्लास है, तो क्लास के अंदर भी हम डिस्कशन करेंगे, बट डिटेल डिस्कशन जो होगी वो शाम को 7 बजे मैं पूरी फैमिली के साथ बैठकर यूट्यूब पे करूंगा, ठीक है जी। चलो, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और घबराना मत कि अमेंडमेंट्स क्या क्या आई हैं, आपका भाई यहाँ पर बैठा है, आप आराम से सो, एंजॉय करो, मैं हार्ड वर्क करूंगा आपके लिए, सिंगल सिंगल अमेंडमेंट का एग्जाम्पल क्या बन सकता है, क्या इफेक्ट होगा, आपका भाई आपके लिए हार्ड वर्क करेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना हार्ड वर्क करते रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बट ये बजट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हमें सेशन सुनना है, ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल के अंदर अमेंडमेंट क्या है। उससे पहले अगर आपको बीच में देखना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आपने कई सारी अमेंडमेंट्स देखी होंगी, तो अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो अमेंडमेंट सही हैं या गलत हैं, क्योंकि न्यूज़ के अंदर जो अमेंडमेंट्स दिखाई गई हैं उन्होंने इंटरप्रिटेशन उसकी गलत ली है, एनालिसिस थोड़े बहुत गलत लिए हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि वो अमेंडमेंट सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे,
वहां पर आप बजट की स्पीच जो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी है आपको पता है उसका भी पीडीएफ आ जाता है, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप क्रॉस वेरीफाई करना कि एक्चुअल में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या चीज बोली है और क्या चीज हमें दिखाई जा रही है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा ना बजट स्पीच, सबसे ऊपर उसका पीडीएफ है, इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करोगे ना ये पूरी की पूरी स्पीच यहाँ पर आपकी हो जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको फाइनेंस बिल चाहिए फाइनेंस बिल का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो फाइनेंस बिल का पीडीएफ भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। इट मीन्स कहना क्या चाह रहा हूं, परसों तो मैं आपके लिए आ ही रहा हूं, उससे पहले अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो प्लीज फाइनेंस बिल देख लेना, बजट स्पीच देख लेना, ताकि आपके दिमाग में डाउट ना हो कि जो अमेंडमेंट हमने देखी कहीं वो गलत तो नहीं हमने देख ली। ठीक है जी, चलो बाकी मुलाकात करूंगा मंडे को। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लगे रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और बस पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहो। पेरेंट्स को एक दिन प्राउड फील कराओ, पेरेंट्स भी बोलें कि हाँ भाई मेरा सुपुत्र है, मेरी सुपुत्री है कि जिनको हमने जन्म दिया उन्होंने आज हमारा नाम रोशन किया है। और बस मुझे ब्लेसिंग देते रहो, विशेस देते रहो, प्यार देते रहो, नो हेट ओनली लव, बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। ओके बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर जी।